हाँ जी आपका क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी फोर ईयर एगो वॉस फोर रेशियो फाइव ठीक ए बी का जो रेशियो है एज का चार साल पहले क्या था फोर रेशियो फाइव था और एट ईयर फ्रॉम नाउ आज से आठ साल बाद द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी होगा ठीक मतलब आठ साल बाद होगा क्या होगा एलेवन रेशियो थर्टीन वॉट इज दट इज देअर प्रजेंटेज इनकी प्रजेंट क्या है ये आपको निकालनी है दोनों का सम वॉट इज द सम ऑफ ठीक सम निकालना है, दोनों एज का तो अगर इसको हम समझते हैं इसको हम एड बी नाम देते हैं दो को निकाल रहे हैं अगर हम बात करते हैं प्रजेंट एज की तो लेटेस्ट कंसिडर द प्रजेंटेज ऑफ ए एंड बी एक्स एंड ठीक ए और बी का जो है हम वाई मान लेते हैं और यहां रखते हैं रेशियो अब यहां पे तो बोला क्या गया है कि फोर ईयर एगो चार साल पहले तो इनको भी चार साल ले आते हैं पहले और इनको भी चार साल पहले ले गए पहले ठीक इनका इनका जो रेशियो क्या है फोर रेशियो फाइव है ठीक तो यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे एक्स माइनस फोर अपॉन वाई माइनस फोर इसका अपॉन इसका कॉल टू फोर अपॉन फाइव ठीक वैसे बोला गया क्वेश्चन में आठ साल फ्रॉम एट मीन एट ठीक एट ईयर लेटर एक्स प्लस एट वाई प्लस एट हो जाएगा उसका दिया गया है इलेवन रेशियो थर्टीन दिया गया है ठीक अब इसका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा एक्स प्लस एट अपॉन वाई प्लस एट एक्स प्लस एट अपॉन वाई प्लस एट टू इलेवन अपॉन थर्टीन ठीक अभी आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए जो आपका एक्स और वाई वैल्यू आएगा उसको सम कर दीजिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक बस यही करना है अभी इसमें कुछ डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं